हेलो प्रीपाल। सो जेमिनाई की रीडिंग आज होगी, वो भी एक वीक की होगी। अगले नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, जेमिनाई के लिए यानी कि मिथुन राशि के लिए कैसा होने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने मंथली रीडिंग कर दिया है, हम वीकली रीडिंग कर रहे हैं जेमिनाई के लिए। सो कैसा रहेगा जेमिनाई के लिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 7 डेज कैसा रहने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी रीडिंग आप देखेंगे उसके अगले दिन से अगले 7 दिनों तक आपको रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसको रखें, जो रेजोनेट ना करे जाने दें। सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। और न्यू टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ हमेशा से ही अलग अलग तरह की रीडिंग आती रहती है। अपनी ज़रूरत के अनुसार रीडिंग देखिए और उसका लाभ उठाइए। सो जनरल रीडिंग है तो देखिए क्या कुछ है और कैसा रहने वाला है लव वर्क मनी के लिए नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा होगा जेमिनाई, देखते हैं। पहले टैरोट से देखेंगे, छोटी सी रीडिंग होगी क्योंकि डिटेल रीडिंग ऑलरेडी मंथली मैंने अपलोड कर दी है। सो लेट्स बिगिन विद टैरोट कार्ड। तो जेमिनाई के लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसा होगा, अगला हफ्ता कैसा होगा। टावर है, लेट्स सी, काफी जंप आउट हो रहे हैं। जेमिनाई के लिए कैसा होगा जजमेंट, सेवन ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो यहां पर रीडिंग जो आई है बहुत ही कॉन्ट्रास्ट से भरी रीडिंग है। देखिए अगला हफ्ता आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है क्योंकि शुरुआत में ही आपके लाइफ में कुछ शेकअप है मुझे लग रहा है। नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज है जिसका अंत होने वाला है। वो आपकी परेशानी भी हो सकती है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। और कुछ लोग जो आपके लाइफ में मायने नहीं रखते हैं और आप चाहते हैं कि उनसे संबंध ना रहे और आप वो चीज कर नहीं पा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक होगी, डिवाइन के द्वारा होगी। इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अचानक से कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे कि वो रिश्ता या वो रिलेशन खत्म हो सकता है। करियर वाइज भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप चेंज करना चाहते हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो सडन कोई टावर चेंज आएगा, टावर मोमेंट आएगा जिससे आपको चेंज मिलेगा लाइफ में। और टावर मोमेंट होता है डिवाइन के द्वारा। जो चीज़ें बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है किसी के लाइफ में, तो टावर मोमेंट एक मौका है और ये इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें खुद ब खुद होंगी, पास कर जाएंगी। थोड़ा सा झटका मिलेगा लेकिन ये चीज बिल्कुल भी स्टेबल हो जाती है। जजमेंट है, बहुत समय से किसी चीज का इंतजार था आपको। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का मामला हो आपके लाइफ में, फैमिली में, और हो सकता है कोई कोर्ट केस भी हो जो बहुत समय से टलता आ रहा है। वो चीज का जजमेंट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 10-10 की एनर्जी है, वो चीज कंप्लीट होगी और जजमेंट आएगा। और बहुत बेसब्री से जिस चीज का इंतजार है वो इंतजार खत्म होने वाला है। कोई ना कोई जवाब आपको मिलेगा और इससे आपकी लाइफ अच्छी ही होगी क्योंकि पॉजिटिव मुझे लग रहा है, मेरा इंट्यूशन बता रहा है कि कोई पॉजिटिव जवाब ही आपको मिलेगा। हो सकता है किसी पर्सन को आपने लव का ऑफर दिया हो, वहां से कुछ आंसर आ सकते हैं, हाँ में या ना में। अगर ना में भी आते हैं तो आपके अच्छे के लिए होगा। और यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही है या आपके फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं जा रही है तो वहाँ हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, वहाँ हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। इंतजार की खड़ियाँ खत्म हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपके हार्डवर्क का पे ऑफ अब होने जा रहा है। आपने बहुत मेहनत की अपने करियर में या किसी रिश्ते को बनाने में, आपने बहुत मेहनत किया है। हो सकता है किसी प्रमोशन को पाने के लिए, कोई जॉब पाने के लिए आपने बहुत कठिन प्रयास किया है, परिश्रम किया है, उसका फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीक जेमिनाई आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ पैसे आने वाले हैं, कुछ रुके हुए पैसे भी आ सकते हैं और ये पैसे आपके हक के पैसे होंगे। और पैसे के लिए जो लोग भी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। नाइट ऑफ कप्स, प्यार कोई ना कोई लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई ऑफर लेके आ रहा है, प्यार का ऑफर है और ये बहुत ही प्रोटेक्ट है प्यार आपका डिवाइन की तरफ से।
एंड यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग भी चाह रहे हैं कि प्यार लाइफ में आए, तो कोई पर्सन है जो आपके पास धीरे धीरे बढ़ रहा है प्यार का ऑफर देने के लिए, कोई रिलेशन बनने वाला है आपका किसी के साथ, तो ये बहुत खूबसूरती के साथ इंसान आएगा। और ये इंसान जिसे कहते हैं कि सब कुछ में निपुण है, पावर भी है इसके पास और प्रोटेक्ट तो है ही, और ये भी इन सर्च ऑफ मैन या वेमेन है। काफ़ी समय से इसको भी प्यार चाहिए, एक तैयारी के साथ ये हो सकता है कि इसने हाल ही में कुछ अच्छा अचीवमेंट लिया होगा अपने लाइफ में, कुछ रिवॉर्ड अवार्ड मिले होंगे, करियर अच्छा बना होगा, और ये इंसान अब अपने लाइफ में प्यार चाहता है। तो ये इंसान आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को प्यार के ऑफर डायरेक्ट मिलने के चांसेस हैं, हो सकता है कि डेट पे भी जा सकते हैं आप लोग, एंड रोमांटिक भी समय बीत सकता है अपने पर्सन के साथ आपका। और आर्ट वर्ल्ड में जो भी है, क्रिएटिव माइंड जिनका भी है, वो अपने स्किल से लाभ उठा सकते हैं। पीसफुल लविंग टाइम बीतेगा अगला सात दिन आप लोग डेटिंग पे भी जा सकते हैं, किसी के लिए अट्रैक्शन भी बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जेमिनाई मिथुन राशि के आप लोग हैं, तो आप अगर बैंक रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, अगर इस विभाग में हैं आप, तो आपको बहुत सफलता मिलने के चांसेस हैं। नहीं भी हैं तो इन सब करियर में जाने का आप सोच सकते हैं। सेल्समैन और स्कूल टीचर, फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट, इनमें भी आपको सफलता मिलने वाली है या अपना करियर शुरू कर सकते हैं। और जॉब में अच्छा मुझे प्रमोशन किसी का होता हुआ नजर आ रहा है। जज हैं या सिविल में हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वहाँ भी आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलता जाएगा, ऐसी संभावना है। सो यहाँ जेमिनाई से टैरोट से तो रीडिंग हो चुकी है, अब हम बाकी डेक से भी दो दो कार्ड लेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसा है, नेक्स्ट 7 डेज कैसा है जेमिनाई के लिए, एयर साइन जेमिनाई कैसा होने वाला है आपके लिए। बाल्समिक उनका कार्ड है, इस टाइम फॉर हीलिंग। यहाँ मैंने आपको सेकेंड कार्ड में बताया था, जजमेंट कार्ड में, कि जिन लोगों को ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे हैं या जो लोग परेशान हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं जा रही है आपका या आपके फैमिली में, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, हीलिंग होने वाली है, यानी कि आप लोग अच्छा हेल्थ डिजर्व करते हैं, और वो आप धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ेंगे। अगर कुछ भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो एक अच्छा ट्रीटमेंट लेना अच्छा होगा जो सफल रहेगा। तो हीलिंग का टाइम है, अपने हीलिंग मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, अपना मन शांत रखिए, अगला 7 दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है आपके लिए। लेट्स सी वन मोर कार्ड, इस डेक से एक और कार्ड लेते हैं। न्यू मून कैप्रिकॉन का कार्ड है, हो सकता है कि इस सप्ताह आप किसी कैप्रिकॉन पर्सन से डील करें लव में या करियर में, और साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो आपको सब चीज़ों का जवाब तो यहीं पे मिल गया है कि आपका जो भी मेहनत था, जो भी आपके सपने थे, उस पर आपने बहुत ही काम किया। और 8 नंबर है इस कार्ड का, शनि का नंबर है, 2024 भी शनि का है तो कार्मिक भी है, तो आपके जो मेहनत है उसका सफलता का समय आ गया है। तो जेमिनाई के लिए तो बहुत खूबसूरत है। अब हम 2 कार्ड एंजल से लेते हैं, आखिरी कार्ड एंजल से लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो जेमिनाई रेडी रहिए, तो आखिरी 2 कार्ड लेने के लिए कि आपको क्या कुछ मिल रहा है। लेट्स सी, बी असर्टिव, यहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि कोई काम भी कीजिए तो बिल्कुल निश्चय करके कीजिए, और बिना सोचे समझे किसी काम में कूदना नहीं है, तो ये चीज़ आपको गाइडेंस एक मिल रही है यहाँ से। और एक लास्ट कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि लास्ट कार्ड में क्या आता है जेमिनाई नेक्स्ट 7 डेज फॉर यू। लेट्स सी रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही खूबसूरत रोमांस आ रहा है, कोई ना कोई प्यार लेके आपकी लाइफ में आ रहा है, इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, कोई ना कोई आपकी तरफ आकर्षित है, या आप किसी का क्रश तो बने हुए हैं, आपका भी कोई क्रश बना हुआ है, तो हो सकता है कि ये प्रपोजल इस हफ्ता मिल जाए, अदरवाइज आपके रिलेशंस आगे बढ़ने के चांसेस हैं,
नेक्स्ट 7 डेज में। तो जेमिनाई आपकी रीडिंग यहाँ अगले हफ्ते के लिए खत्म होती है, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।